सुंदरकांड में बहुत ही रोचक प्रसंग है जिसका नाम है मैं ना होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जब क्रोध में आकर रावण सीता मैया को मारने के लिए बढ़ा तब हनुमान जी का मन करा कि उससे उसकी तलवार छीनकर उसका गला काट दे, लेकिन उन्हें नहीं करना पड़ा क्योंकि उनसे पहले मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। और तब हनुमान जी को एहसास हुआ कि ईश्वर को जो काम जिससे लेना होता है उसी से लेते हैं। अगर मैं आगे बढ़ जाता तो मुझे भ्रम हो जाता कि मैं ना होता तो क्या होता। इसी तरह त्रिजटा ने कहा था कि मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर आएगा, वो लंका को जलाएगा। तब हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु ने मुझे तो लंका जलाने को कहा ही नहीं, लेकिन रावण ने खुद ही अपने सैनिकों से कह दिया कि इस बंदर की पूंछ पे कपड़ा बांधकर घी डालकर आग लगा दो। तब उसे समझ में आया कि प्रभु श्री राम तो अपना काम जब रावण से भी करवा सकते हैं तो मैं क्या चीज हूं। इस संसार में ईश्वर को जिससे जो कुछ कराना होता है वो करा लेते हैं, हम लोग एक निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये गलत फहमी, ये भ्रम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता। याद रखें, ईश्वर को जिससे जो कराना है वो करा ही लेंगे। हम ना श्रेष्ठ हैं ना हम खास हैं, बस हम उस ईश्वर के एक दास हैं।